हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। भारत में जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनी हुई है। हमारी पंचवर्षीय योजना कैसे बनी? 1950 के प्लानिंग कमिश्नर योजना आयोग बनी, तभी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई 1951 से। लेकिन 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिए। नीति आयोग जो कि 2015 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 ईयर प्लान का क्या योजना क्या था, पंचवर्षीय योजना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था पावर्टी रिडक्शन, गरीबी को ख़त्म करना, सोशल सेक्टर को इन्हेंस करना, जो सर्विसेज हैं उनको इन्हेंस करना, एजुकेशन पॉलिसी को इन्हेंस करना, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, और इन्वायरमेंट के बारे में भी इसमें था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इनका रोल था, और फर्टिलिटी रेट को कम करने में इनका रोल था, एंड वाटर क्लीनिंग में भी, जो ड्रिंकिंग वाटर है उनके लिए भी यहाँ पर मेन योजना थी। पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट वाली थी ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल योजना थी, क्योंकि इनका जो रेट था रिजल्ट का वो बहुत ज़्यादा था, जितना उम्मीद किया गया था उस हिसाब से उसका रेट था। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल योजना थी वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महल नोविस मॉडल के आधार पर बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस देश के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी कंट्री का उनको विकसित करने के लिए सेकेंड ईयर 5 प्लान का योजना था। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ, जो कि 1956 से 1961 तक प्रारंभ की गई। नेक्स्ट योजना थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि बेहद महत्वपूर्ण थी। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया इस योजना में। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में यह योजना हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन इसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। यह योजना योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल द्वारा प्रस्तुत मॉडल पर आधारित थी, और इसीलिए इसे गाडगिल योजना कहा गया। यह सबसे विफल योजना थी। अभी हम यह देखते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल क्यों हुआ। जैसा कि भारत दो प्रमुख युद्धों में चले गया, 1962 का चीन भारत संघर्ष और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में आर्थिक कमजोरी आ गई, कीमतों में अस्थिरता थी, इसके परिणाम स्वरूप भारत में भारी मुद्रास्फीति देखी गई। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में यह लगातार तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आगे बढ़ाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और इसे आत्मनिर्भर बनाना था। दुर्भाग्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्धों और सूखों के कारण असफल रही। लक्ष्य वृद्धि 5.6% थी भारत में, लेकिन इसमें से 2.4% की विकास दर हासिल करने में सफल रहा, इसलिए ये जो है सबसे फेल योजना थी, क्योंकि उस समय भारत का अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गया था, इस वजह से जो योजना थी वो सक्सेस नहीं हो पाया था और उनकी छुट्टी हो गई थी। प्लान हॉलीडेज, देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई थी। अंतिम विफल तीसरी पंचवर्षीय योजना के जवाब में भारत सरकार 1966 से 1969 के बीच 3 वर्षीय योजना के साथ आई, और इस योजना को अवकाश कहा गया। यह योजना कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर जोर देकर आर्थिक विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट योजना फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों पर अत्यधिक केंद्रित है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में संघर्ष के कारण भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, जिससे भारत के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई।
चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना के दो प्राथमिक उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विस्तार और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक थे उनको प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट किया गया था, जो कि 14 प्रमुख थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति पर बल दिया गया और यह योजना विफल रहा क्योंकि इसने केवल 3.3% विकास दर हासिल की और लक्ष्य था 5.7% की विकास दर थी, जिसमें से 3.3% ही विकास दर हुआ था। नेक्स्ट योजना फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ योजनाओं, रोजगार, न्याय और कृषि उत्पादन और रक्षा को प्राथमिकता दी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू की गई थी और 1978 तक जारी रही। भारत 1975 से 1976 तक आपातकाल के दौर से गुजरा। 1975 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई और विद्युत आपूर्ति अधिनियम को बदल दिया गया। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया और बीज सूत्र कार्यक्रम स्थापित किया गया। भारत ने 4.4% लक्ष्य विकास दर की तुलना में 4.8% की विकास दर हासिल की थी पांचवी वर्षीय योजना में। इसके बाद रोलिंग प्लान आया, जिसमें कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह 1980 तक प्रभावी रहा, जब कांग्रेस सरकार ने इसे खारिज कर दिया। नेक्स्ट योजना सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, यह मुख्य रूप से तकनीकी आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन के माध्यम से आर्थिक उदारीकरण पर केंद्रित थी। इस योजना को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया और यह 1980 से 1985 तक था और इसमें जो विकास दर का रेट था 5.2% पर लक्षित थी, लेकिन जो विकास दर हासिल हुई थी 5.7%। और योजना की नींव बुनियादी ढांचे में बदलाव, योजना निवेश और विकास मॉडल थी। नेक्स्ट योजना सेवंथ फाइव ईयर प्लान, सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि खाद्यान्न के उत्पादन में सुधार, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से भोजन शब्द और उत्पादकता पर केंद्रित था। और ये राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये योजना हुआ था और पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता मिली। योजना के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास और लाभकारी रोजगार की संभावनाओं पर केंद्रित थी और इसमें सरकार ने 6.0% विकास दर हासिल की थी और लक्ष्य था विकास दर 5.0%। इसके बाद नेक्स्ट योजना आ गया था एनुअल प्लान्स, वार्षिक योजनाएं। भारत में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के कारण वर्ष 1990 से 1991 और 1991 से 1992 के लिए दो वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। इसका जो उद्देश्य था, भारत अर्थव्यवस्था को क्रियान्वित और बढ़ावा देना था, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं के लिए खोला गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मानव संसाधनों पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया। भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया और इसमें 5.6 के लक्ष्य की तुलना में 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह योजना सफल रही और इसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया और यह 1992 से 1997 तक चला। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो मेन लक्ष्य था, सामाजिक न्याय और समानता के विकास को लेकर था और इसका जो मेन लक्ष्य था 6.5% की विकास दर, लेकिन इसमें जो हासिल हुआ था 5.6% हासिल हुआ था। और इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और यह 2002 तक चली थी।
दसवीं पंचवर्षीय योजना जो कि गरीबी को कम करने इसका लक्ष्य था। 2012 तक गरीबी दर में 15% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था और इसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2002 से 2007 तक चली और इसमें 8.0% की उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा, लेकिन 7.6% हासिल करने में सफल रहा। और इस योजना का लक्ष्य आने वाले 10 वर्षी में भारत की प्रति व्यक्ति का आय दोगुना करना था। मतलब भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो आय है, इनकम है, उसको दोगुना करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि इसमें जो विकास दर था 8.0% था और जो इनका लक्ष्य था दर का, विकास दर का, वो 9% था, लेकिन मिला था 8.0%। और इसे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था 2007 से 2012 में। और इनका जो प्रमुख जो फोकस था, देश के भीतर तीव्र और अधिक समावेशी विकास हासिल करना था। समावेशी विकास मतलब ऐसा विकास जो कि ग्रास रूट लेवल से हो, यानी कि जिसका विकास गांव से हो, उसको बोलते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट, सी रंगराजन 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य तेज सतत अधिक समावेशी विकास के लिए था, लिंग और सामाजिक अंतराल को दूरी करने, रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप्स, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में, कुपोषण को कम करने में, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर हरित कवरेज, ग्रीन कवरेज बाय 1 मिलियन हेक्टेयर्स एवरी ईयर, प्रोवाइड 90% बैंकिंग सर्विस टू हाउस होल्ड, परिवारों को 90% बैंकिंग सेवा प्रदान करने में। और यह योजना 2012 से 2027 तक चला। एनर्जी सप्लाई में 6.5 से 7% इसमें इनका जो रेट था वो बढ़ा। अभी हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, 1951 से 1956 तक। सबसे सफल योजना मतलब मोस्ट सक्सेसफुल प्लान, फर्स्ट जो प्रथम योजना था सबसे सफल था। सबसे ज़्यादा फेल होने वाला प्लान, मोस्ट फेलियर जो प्लान था, योजना था, वो थर्ड था। तीसरी योजना, फुल फॉर्म ऑफ नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग कब आया, प्लानिंग कमीशन केम इन इंडिया 1950 में। व्हेन डिड नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। तो जितनी भारत में पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो टारगेट ग्रोथ था, कितने ईयर में चला इनका टारगेट ग्रोथ था और एक्चुअल ग्रोथ कितना मिला, यहाँ पर टेबल्स में लिखे हुए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट योजना था 1951 से 1956 में, जिसमें टारगेट ग्रोथ था 2.1% और जो एक्चुअल ग्रोथ मिली 3.6%। इसीलिए इसको बोलते हैं सक्सेसफुल, जो सबसे सफल योजना था वो इसीलिए ये था क्योंकि 2.1% टारगेट था, लेकिन मिला कितना, एक्चुअल ग्रोथ 3.6%। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक था और इसका जो टारगेट ग्रोथ था 4.5%, लेकिन जो प्राप्त हुआ 4.3%। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली और इसका जो टारगेट ग्रोथ था 5.6% और जो एक्चुअल ग्रोथ मिला 2.8%। इसीलिए इस योजना को सबसे सफल नहीं, भी सफल, मतलब इस योजना को फेल माना जाता है इस वजह से। और उसके बाद आ गया था प्लान हॉलीडेज, एनुअल प्लान्स जो कि योजना अवकाश, वार्षिक योजना है, 1966 से 1969 तक चला। इसके बाद एनुअल प्लान्स, वार्षिक योजना है जो कि 1989 से 1991 तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 और इसमें जो टारगेट ग्रोथ था 5.6% और जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ था 6.8%। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक था और जिसमें कि जो टारगेट ग्रोथ था 6.5% और प्राप्त हुआ था 5.4%। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चला, जिसमें जो टारगेट था 8.0% और जो प्राप्त हुआ था 7.6%। नेक्स्ट योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक था,
जिसमें कि जो टारगेट था 9.0% और जो प्राप्त हुआ था 8.0%। और 12th वर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक था और जिसमें जो टारगेट था 8.0% था। और इसमें हमने वीडियो में डिस्कस किया पंचवर्षीय योजना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।